नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़कों का सुधारीकरण करने के साथ साथ यातायात नियमों का भी सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें, यह निर्देश जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने को कहा। इस दौरान जिलाधिकारी ने सड़क निर्माणदायी विभागों के अधीक्षण अभियंताओं से संबंधित क्षेत्र के SDM और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ सड़कों का सर्वे कर दुर्घटना संभावित स्थलों को चिन्हित कर संवेदनशील स्थलों पर क्रैश बैरियर, पैराफिट, डेल मैनेटर, रिफ्लेक्टर एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य करने के निर्देश भी दिए। साथ ही चेतावनी होल्डिंग्स लगाने को कहा। DM ने चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर किए गए सुरक्षात्मक कार्यों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी किए। उन्होंने जिन स्थलों पर सड़कों का चौड़ीकरण सुधारीकरण आवश्यक हो उनका प्रस्ताव तैयार कर उचित माध्यम से शासन को भेजने को कहा। सड़क संबंधी प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में बताया गया कि बीते वर्ष जनवरी से दिसंबर तक 12 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 6 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हुए। लोनीबी ने सड़कों पर चिन्हित 55 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़क सुरक्षात्मक कार्य किए। RTO के माध्यम से 156 चालान व 47 लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही 741 दोपहिया वाहनों का चालान किया गया। पुलिस विभाग द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। बैठक में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, परिवहन निगम सहायक महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार, CMO HS यांकी, CEO ट्रैफिक पुलिस सुमित पांडे, CEO जितेंद्र सक्सेना, SC लोनीबी AB कांडपाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी व समिति के सदस्य उपस्थित थे। नवरात्र के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग का जांच चेकिंग अभियान लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज कुमार पांडे के निर्देशानुसार आज पिथौरागढ़ नगर की मुख्य बाजार की कई दुकानों में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी RK शर्मा की अगुवाई में निरीक्षण किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने सिमलगैर, पुरानी बाजार सहित अन्य स्थानों में दुकानों में खाद्य पदार्थों की जाँच करने के साथ ही कुट्टू के आटे के 3 नमूने लिए। इस दौरान टीम द्वारा व्यापारियों को गुणवत्तापूर्ण सामान का विक्रय करने को कहा गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जांच के लिए लिए गए नमूनों को प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। नमूने फेल होने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेकिंग टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन, SS भाटिया आदि शामिल थे। कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पद पर अविलंब पदोन्नति सहित 2 सूत्रीय मांग का एक पत्र एजुकेशन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ चंद की अगुवाई में यहां पहुंचे मंडली अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय कोटवाल को सौंपा गया। इससे पूर्व CEO कार्यालय में एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा कोटियाल का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह राणा, नवीन पाठक, संजय पंत, त्रिभुवन खुलिया, संतोष पुनेटा, उमेश पांडे, हिमांशु जोशी, गायत्री किशोर, किरण खादी आदि उपस्थित थे। पिथौरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कृष्णापुरी वार्ड में बीते 3 दिनों से नलों में गंदा पानी आने से वार्डवासी खासे परेशान हैं। वार्ड सभासद रविंद्र विष्ट ने बताया कि नलों में बीते 3 दिनों से गंदा पानी आ रहा है। गर्मी के सीजन में इस तरह से पानी के आने से बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि गंदा पानी आने की सूचना विभाग को दे दी गई है। उन्होंने शीघ्र स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के राजकीय जूनियर हाई स्कूल कन्या मंडप विद्यालय में आज सभी छात्र छात्राओं को पाठ्यपुस्तक सामग्री वितरण के साथ प्रवेशोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने विद्यार्थियों के साथ संवाद कर उन्हें नियमित रूप से बेहतर भविष्य के लिए लगन के साथ अध्ययन करने को कहा। विद्यालय स्टाफ द्वारा आपसी सहयोग से सभी छात्र छात्राओं को स्कूल बैग सहित पठन पाठन सामग्री वितरण की गई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी बलराज रावत, प्रशासनिक अधिकारी सौरभ चंद, राजेंद्र राणा, भुवनचंद पांडे, संगीता बैसोड़ा, राकेश पुरी, त्रिभुवन सिंह आदि मौजूद थे। प्रधानाध्यापक हरीश पांडे द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। संचालन रमेश जोशी द्वारा किया गया। CMBETP योजना के तहत मुनाकोट की
छात्राओं का रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण आज मंगलवार को सातवें दिन भी जारी रहा। निगम के प्रबंधक दिनेश गुर्रानी द्वारा प्रातः प्रतिभागियों को योग प्राणायाम की जानकारी देने के साथ ही योग अभ्यास कराया गया। उपरांत इसके प्रतिभागियों द्वारा हिमालय बचाव अभियान के तहत TRC के आसपास फेंके गए कूड़े को एकत्र कर निस्तारण किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को काली नदी में तालेश्वर से बलतड़ी तक रिवर रन कराया गया। प्रशिक्षण रिवर गाइड राजेंद्र सिंह, पदम सिंह, वेद प्रकाश भट्ट द्वारा दिया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।